हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन मार्केट पे रिसेंटली रिलॉन्च किया गया है MT-15 2.0 को आपको परचेस करना चाहिए या फिर KTM Duke 200 को आपको लेना चाहिए। दोनों बाइक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आपको नज़र आ जाएगा, चाहे वो प्राइस में हो, टॉप स्पीड में हो या फिर स्पेसिफिकेशन में हो। पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने NS 200 एंड MT-15 2.0 के बारे में वीडियो बनाया था, वो वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। सो ये वाला वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू 05 राइडर एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात कर लेते हैं दोनों बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में। सो आप अगर इस वक्त यानी कि 2022 पर KTM Duke 200 को लेना चाहते हो, इसके लिए आपको पे करना होगा ऑन रोड प्राइस 2,20,000 रुपीज़। एंड MT-15 2.0 को इस वक्त यानी कि 2022 पे अगर आप परचेस करना चाहते हो, इसके लिए आपको ऑन रोड प्राइस देना होगा 1,92,000 रुपीज़। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग गैपिंग देख सकते हो, लगभग 30,000 एक्स्ट्रा आपको देना होगा आप अगर KTM Duke 200 को लेना चाहते हो। सो KTM Duke 200 पर आपको क्या क्या ज्यादा मिल रहा है, MT-15 जो आपको ऑफर नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूं। दोनों ही बाइक नेकेड कैटेगरी के अंदर आता है। दोनों ही बाइक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक होने के बाद भी डिफरेंट आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि एक बाइक के लिए आपको 30,000 एक्स्ट्रा देना होगा एंड दूसरे बाइक के लिए आपको 30,000 कम देना होगा। सो 30,000 एक्स्ट्रा देकर आप KTM Duke पर क्या क्या पा सकते हो। फ्रंट पर आपको 110 सेक्शन की टायर ऑफर किया जाएगा, जो कि 17 इंच एलॉयज के साथ आपको 300mm डिस्प्ले भी ऑफर किया जाएगा। बट MT-15 2.0 पर आपको 100/80 सेक्शन के टायर ऑफर किया जाएगा 17 इंच एलॉयज के साथ एंड 282 डायमीटर की डिस्प्ले आपको ऑफर किया जाएगा, जिससे Duke 200 से आपको डिस्प्ले काफी पतला एंड छोटा सा देखने को मिल जाएगा। एंड Duke 200 पर आपको ड्यूल चैनल ABS ऑफर किया जा रहा है, बट MT-15 2.0 पर आपको फ्रंट पर सिंगल चैनल ABS आपको ऑफर किया जाएगा। दोनों ही बाइक पर फ्रंट पर USD सस्पेंशन आएगा, जो कि गोल्डन कलर की होगा एंड दिखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है एंड इसकी जो कंफर्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर आपकी बाइक पर USD सस्पेंशन रहता है। तो बात करते हैं लुक्स के बारे में। सो दोनों ही बाइक की लुक्स बहुत ही ज्यादा मैस्कुलर आता है दोस्तों। दोनों ही बाइक की लुक्स बहुत ही अट्रैक्टिव है, स्पेशली मुझे तो MT-15 2.0 बहुत ही ज्यादा पसंद है। KTM Duke 200 पर आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप दिया जाता है और साइड में DRL आपको ऑफर किया जाता है। वहीं पर MT-15 2.0 पर आपको दोस्तों प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प ऑफर किया जाता है एंड चारों इंडिकेटर आपको हैलोजन के साथ ही दिया जाता है MT-15 2.0 पर। बट KTM Duke 200 पर आपको चारों इंडिकेटर LED के साथ ही ऑफर किया जाता है। बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पर KTM Duke थोड़ा सा आगे निकल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि MT-15 पर आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे MT-15 ज्यादा कमजोर लगा, बट MT-15 2.0 पर जो आपको ऑफर किया जा रहा है वो आपको KTM Duke 200 पर फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, यानी कि ब्लूटूथ एंड नेविगेशन के ऑप्शन। KTM Duke 200 पर इतनी ज़्यादा प्राइस होने के बाद भी आपको वहाँ पर ब्लूटूथ एंड नेविगेशन का ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है, बट MT-15 2.0 पर आपको ब्लूटूथ एंड नेविगेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिससे आप चाहो तो यामा की ऑफिशियली ऐप के थ्रू फ़ोन के साथ बाइक को कनेक्ट कर सकते हो। फ़ोन पर जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है, आप चाहो तो बाइक की डिस्प्ले पर वो लोग देख सकते हो एंड बाइक पर जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह है, बाइक की जो टॉप स्पीड है, आप चाहो तो फ़ोन पर भी वो देख सकते हो यामा की ऐप के। एंड यामा MT-15 2.0 पर को रिसेंटली जो है दोस्तों USB चार्जिंग स्लॉट भी ऑफर किया जा रहे, जो आपको KTM Duke 200 पर देखने को नहीं मिल सकता है। बात करते हैं दोनों बाइक की इंजन के बारे में। सो KTM Duke 200 का इंजन ज्यादा बड़ा है, यानी कि आपको यहां पर 199.5 cc का इंजन मिल जाता है, जो काम करते 25.8 bhp पावर के साथ एंड ये प्रोवाइड करते 19.7 न्यूटन मीटर टॉर्क। बात किया जाए MT-15 2.0 की, सो यहां पर आपको 155 cc इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो काम करते
13.4 bhp पावर एंड 49 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। सो यहाँ पर MT-15 तो कमज़ोर होगा ही क्योंकि इसकी इंजन पावर थोड़ा सा कम है, बट आपको ज़्यादा कुछ कम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिलता है। दोनों बाइक 4-valve की बाइक है, 6-speed गियरबॉक्स के साथ आता है, लिक्विड कूलिंग के ऊपर काम करते हैं दोनों बाइक। सो यहाँ पर उतनी भी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन कम नहीं है इंजन की। बात करते हैं रियर साइड के बारे में। सो MT-15 2.0 की जो रियर साइड है जहाँ पर आपको 140x76 इनका टायर ऑफर किया जाता है जो कि आपको ट्यूबलेस टायर ही मिलता है 17 inches एलोयस के साथ। बट रियर पर आपको डिस्प्ले तो मिलता है बट कोई भी ABS के ऑप्शन नहीं है, बाइक्स आता है सिंगल चैनल ABS के साथ। वहीं पर KTM Duke 200 बहुत ही बढ़िया तरीके से विनर बन जाता है क्योंकि KTM Duke 200 पर आपको 150x66 इनका टायर ऑफर किया जाता है जो कि ट्यूबलेस टायर है एंड रियर पर भी आपको ABS के ऑप्शन दिया जाता है। फाइनली बात कर लेते हैं माइलेज के बारे में। MT-15 2.0 पर आपको 50 से लेके 52 तक माइलेज देखने को मिल सकता है, बट वहीं पर KTM Duke 200 आपको ज्यादा 30 से लेके 35 तक माइलेज प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों दोनों बाइक्स के अंदर जितना भी डिटेल्स था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई भी डिटेल्स अगर मुझसे मिस होता है तो कमेंट करके जरूर बताना एंड मुझे बताना आप कौन सी बाइक लेना चाहते हो या फिर कौन सी बाइक को लोग पसंद करते हो, MT-15 2.0 या फिर KTM Duke 200। दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था, मिलता है अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।